हेलो एवरीवन, मैं जुड़ी आपनालोक सकलोके मोर चैनल जेकेस ब्लॉग ले पुनर्बार स्वागतम जनाइसु। आज मैं आपनालोकर कारणे एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर ओसरले आहिलु। आज भिडिओटोर विषय आसलते बहुते कमेन्ट करी कय आसिल जे एटा हेयर केयर ऊपर भिडिओ बनाबो लागे, आरो हेहे आज मैं हेयर केयर भिडिओ एटा लै आपनालोकर ओसरले आहिलु। प्रथमबारर बाबे हेयर केयर एटा भिडिओ लै आहिसु, गतिके भिडिओटो शेषलैके चाइ थाकिबो। आरो भिडिओटोत मैं बहुतो इजी स्टेप्स देखुवाम जिकुर फलो करि आपनालोके आपनालोकर सुलिखिनि भाले राखिबो पारिबो। गतिके आहक फलम भिडिओ आरम्भ करूँ। भिडिओटर आरम्भणीते सदा दौरे आज मैं आपको एटा अनुरोध करम, प्लीज आपनालोके मोर चेनेलटो सब्सक्राइब कर लब और काखत थका बेल आइकनटो प्रेस कर अल कर दिब, जाते मोर चेनेलत आहि थका सकलोबोर भिडिओर नोटिफिकेशन आपनालोके पाइ थाके। गतिके आहक आमि भिडिओटो आरम्भ करूँ। हेयर फल बा चुली सरा समस्या तो आजिकालि सकलोरे कम बेसि परिमाणे हुआ देखा जाए, कारण आमार जीवन धारण प्रणाली आमार लाइफस्टाइल तो जेनेकुवा होइसे बा जेनेकुवा होइ परिसे, हेकारणे आमार चुली सरा समस्या तो लाहे लाहे बाढ़ि जाब धरिसे आरु एतु प्राय सकलोरे हुआ देखा जाए। किन्तु किसुमान अभ्यास सलनी करि आरु किसुमान भाल अभ्यास आमार जीवन प्रणाली जदि आमि सदाय करू, भाल अभ्यासर जरिए आमि आमार चुली सरा समस्या तो कमाब पारु। गतिके आजि मैं भिडिओटोत हेतुर विषये आपनालोकक देखुवाम कि अभ्यास गठन करि पेलाय आमि आमार चुली गुछा भाले राखिब पारो आरु कि अभ्यास बाद दि पेलाय आमि आमार चुली गुछा बचाय राखिब पारो। जेतिया आमि मूरटो फनियाउ तेतिया जदि चुली बेसिके खरा देखु बा आमि हुइ उठि गारोत जदि चुली खरा देखु बा आमार टावेलखनत गा धुइ उठि जेतिया चुली मूरटो मुछु तिता मूरटो मुछिले आमार जदि टावेलखनत चुली दुडाल एडाल खरा देखु तेतिया आमार बिराटे चिंता लागे आरु आमि तेतिया टेनशनत पड़ि जाओं जे आमार चुली एनेदरे खरि थाकिले केतियाबा आमार चुली नाइकिया होइ जाब नेकि, तेनेकुवा धरणर चिंता किसुमान आहे। जदि आपनालोकर 20र पर 30 डाल चुली दिनटोर भितर खरि आछे तेनेहले टेनशन लोवार कोनो प्रयोजन नाइ, कारण एतु स्वाभाविक कथा, कारण आमार चुली एडाल जेतिया परिपक्व होइ उठे तेतिया आमार फलिकेलर परा उलाइ जाय आरु हे ठाइत नतुन चुली गजे, हेहे नतुन चुली गजिबोलै आमार पुराना चुली डाल खरि जाय आरु हे ठाइत नतुन चुली आहे। गतिके 2-4 डाल चुली जदि खरिसे तेतिया हले चिंता करार कोनो प्रयोजन नाइ, किन्तु तातकै बेसि जदि खरि आछे तेतिया हले आपनालोके किसुमान घरुवा उपाय करि पेलाय आपनि हे समस्याटोर पर परित्राण पाबो पारे। अयल मसाज करातु आमार चुलिर कारणे खुबै ভাল, हेहे आमि सप्ताहत 3-4 दिन अयल मसाज करिब लागे। अयल मसाज करिले आमार चुलिर गुरिबो स्ट्रङ होय उठे। आपनालोके अयल मसाज करिले राति हुवार आगते करिब आरो गुटे राति जेतिया तेलखिनि एब्जर्ब हब आमार चुलित तार पिसत मर्निंग शेम्पू करि पेलाबो। अयल मसाजर कारणे आपनालोके घरते तयार करि लब परा किसुमान तेल आजि देखुवाम मय। प्रथम बि तेलर कारणे मय लैछो नारिकल तेल, निम पात, नरसिंहर पात आरु जेतुका पात। प्रथमे नारिकल तेलखिनि एटा पात्रत दि पेलाय गुटेखिनि पात तिनिबिध पातेई मय तेलखिनित दि पेलाय 5 मिनिट समय बइल करिम। एइबिध तेले आमार चुलिखिनि स्ट्रङ करि तोलार उपरिओ चुलिखिनि सिल्की आरु शाइनी करि तोले। द्वितीयबिध तेल तयार करिबोलै मय एकै नारिकल तेलै लैछो आरु दुटा पियाज पिहनात भालदरे पिहि मिहि करि लैछो। एतिया मय नारिकल तेलत पियाजखिनि दि 5 मिनिट समय बइल करिम, तार पछत नमाइ थै ठंडा हले मैं चुलित लगाम। दुयोबिध तेले आमार नतुनकै चुली गजत सहाय करिब, लगते आमार चुलिखिनि सिल्की आरु शाइनी करि तोलाटो सहाय करिब। गतिके आपनालोके ट्राइ करि साबसन सप्ताहत 3-बार। बहुत बेसि केमिकलुक्त प्रडक्ट जो आपलोल व्यवहार करेंगर चुली सर पे जेने हेयर स्प्रे, हेयर जेल, हेयर कलर एने केमिकल थका प्रडक्ट जो आपलोल व्यवहार करें चुली सरा समस्या तो हुआ। आर्टिफिशियल हिट आम चुलिर कारण खूब बेहद, जेने आपलोल स्ट्रेट कर ब्लो ड्राई करेनेर जो मेसिन व्यवहार करर चुली सरा समस्या तो हम पे। चुलित केतियाও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ নকৰিব, সদায় যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো 3 মাহ মানলৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব, যদি তেনেকুৱা কোনো ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাই তেতিয়াহে হলাব। যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰি শ্যাম্পু হলাই তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ চুলি ক্ষতি হ'ব পাৰে বা চুলি সৰা সমস্যাটো হ'ব পাৰে। যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব কেমিকেল নথকা শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা হার্বেল শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলি বেছি ক্ষতি নহয়। আমাৰ খাদ্য তালিকাত সদায় শাক-পাচলি,
ফল মূল আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ শৰীৰত যদি ভিটামিন বা জিংক, কেলছিয়াম, হিমগ্লোবিন আদিৰ পৰিমাণ কমি থাকে তেতিয়াও আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাটো হোৱা দেখা যায়। গতিকে যিমান পাৰে সেউজীয়া শাক পাচলি, ফল মূল আদি খাবলৈ, পানীও দৈনিকভাৱে আপোনালোকে 8-10 গিলাচ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। দৈনিক 8 ঘণ্টাকৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰিব। টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ ফলতো আমাৰ হেয়াৰ ফল বা চুলি সৰা সমস্যাটো হোৱা দেখা যায়। ষ্ট্ৰেছ বেছি হলেও আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাটো হোৱা দেখা যায়। গতিকে ষ্ট্ৰেছ কমাবলৈ আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ বা য়োগা কৰিব পাৰে। য়োগা বা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয়। লগতে আপোনালোকে শোৱাৰ আগতে অলপমান যদি ছফ্ট মিউজিক শুনে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু টোপনি ভালদৰে আহিব। এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ কমিব আৰু ষ্ট্ৰেছ কমিলে আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো কমি আহিব লাহে লাহে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আকৌ লৈ আহিম মই আপোনালোকৰ কাৰণে। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। বাই বাই।